10 जून तक किसानों द्वारा सब्जियां, फल, दूध को शहरों में न लाकर बेचने के आह्वान पर आज दूसरे दिन मोगा की सब्जी मंडी में मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं कुछ किसान मोगा में सब्जी बेचने आए, आपको यह तस्वीरें दिखा रहे हैं मोगा सब्जी मंडी की, जो सुबह 6:30 बजे पर मोगा सब्जी मंडी की है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि छोटा किसान सब्जी लेकर यहां आया है, लेकिन कुछ कम नहीं है, भाव भी बढ़े हैं और जो सब्जी हिमाचल और यूपी से आती है वह रोज मर्रा की तरह ही आई है, लेकिन उनके दाम आगे से 2 से 3 रुपए बढ़े हैं। वहीं किसानों ने कहा कि आज रास्ते में उन्हें किसी ने भी नहीं रोका, वह सब्जी लेकर आए हैं घर का गुजारा भी चलाना। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार हमारी फसलों का समर्थन मूल्य दे। कल थोड़ा जा घट सी, अज सौदा ज्यादा आया वा, कल नो थोड़ा ज्यादा किसान तुरे आउंदे जी। ते जे गल करिए रेट दी, रेट अगे नाल वध गई 2-3 रुपए किलो हर सब्जी दी। और वैसे कोई किसान पूरी सब्जी लिया रहे, अज पूरी सब्जी लेके आए ने? मतलब कोई जिहड़ा डरदा ओह नहीं लिआउंदा, बाकी सारे लिआए आ तकरीबन। किसानां दा देखो जी अगे नालों तां बहुत फर्क पिया हैगा, अगे नालों किसानां दा माल भी घट आया ते उहदे विच गाहक ते बड़ा असर पिया जी। गाहक जिस तरह के आसे पासे मंडियां दे विच कोई रौला पैंदा थोड़ा बहुत, उहदे करके बाजार दे विच मतलब दुकानदार कोई ज्यादा माल लै के राजी नहीं। पर जिहड़ी हुण सब्जी इन्नी आई हैगी इह कोई स्टेट तों बाहरों जिहड़ी आउंदी उह आई है जां किद्दां? इह स्टेट तों बाहर दीआं सब्जियां ज्यादा आईआं जी, जिहड़ी लोकल सब्जी ते बहुत असर पिया जी, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਟ ਦੀ, ਰੇਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 3-4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 8-9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਟ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਰੇਟ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ, ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ।